अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज़ के आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे और इसमें जो आपके नॉवल का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में से भी हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और इसके अलावा नॉवल की जो टेक्निकल वोकेबलरी होती है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप ये पूरा एमसीक्यूज़ का सेशन अटेंड कर लेते हैं तो आपकी जो नॉवल का आपने टेक्स्ट पढ़ा है उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी और इसके अलावा आपको नॉवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निकल वोकेबलरी चाहिए होती है, जो टेक्निकल टर्म्स आपको बतानी चाहिए, वो भी आपकी तैयार हो जाएंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव इज द नैरेटिव ऑफ लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज रिलेटेड। क्या आपको कहानी किस नैरेटिव में बताएगी, फर्स्ट पर्सन, फोर्थ पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट थर्ड पर्सन की कहानी आपको किस नैरेटिव में बताई गई है। कहानी आपको थर्ड पर्सन नैरेटिव के अंदर बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, दैट इज दैट व्हाट फिजिकल एलमेंट, यानी कि कौन सी बीमारी डज पिगी से ही सफर्स फ्रॉम इन चैप्टर नंबर वन द साउंड ऑफ द शेल। कि पहले चैप्टर में जब पिगी अपनी एक बीमारी के हवाले से बताते हैं तो उसको क्या बीमारी होती है, पार्शियल डेफनेस की, एस्थमा की, ट्यूबरक्लोसिस की या एपिलेप्सी की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज एस्थमा के पिगी को क्या होता है, पिगी को एस्थमा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री इज दैट पिगी टेल्स राल्फ इन चैप्टर नंबर वन द साउंड ऑफ द शेल दैट ही हैज वॉर्न ग्लासेस सिंस ही वॉज हाउ ओल्ड। कितनी एज से वो पहन रहा था, 2, 6, 4 या 3, यानी कितने साल का था जब उसने ग्लासेस पहनना शुरू की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3, दैट ही वॉज 3 years old व्हेन ही स्टार्टेड वेयरिंग ग्लासेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज राल्फ सेट टू बी इन चैप्टर नंबर वन द साउंड ऑफ द शेल, यानी कि जो पहला चैप्टर है उसमें राल्फ की एज कितनी बताई गई है। सो 15 years, 12 years, 10 years और 8 years, द करेक्ट ऑप्शन इज 12 years के। जब पहला चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो राल्फ की एज कितनी होती है, 12 साल होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट राल्फ टेल्स पिगी इन चैप्टर नंबर वन द साउंड ऑफ द शेल दैट हिज फादर होल्ड्स व्हाट पोजीशन, कि क्या वो अपने बाप के हवाले से बताता है कि उसका बाप क्या है, एम्बेसडर टू इजिप्ट, मैगजीन एडिटर, कमांडर ऑफ द नेवी और जर्नलिस्ट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कमांडर ऑफ द नेवी। कि राल्फ कहता है कि मेरा बाप क्या है, ही इज अ कमांडर इन द कमांडर ऑफ द नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ डज राल्फ से ही वॉज वेन हिज फादर टॉट हिम टू स्विम इन चैप्टर नंबर वन, कि चैप्टर वन में जो बताता है कि अपने स्विमिंग के हवाले से तो क्या बताता है कि कितने साल का था जब उसने स्विमिंग जो थी वो सीख ली थी, 2 years, 8 years, 5 years या 6 years? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5 years। तो ये देखें, आपका नॉवल जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा और इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज बने हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पिगीज आंसर व्हेन राल्फ आस्क्स हिम इन चैप्टर नंबर वन द साउंड ऑफ द शेल दैट व्हाट्स योर फादर, कि जब वो पिगी से राल्फ पूछता है कि आपके अब्बा क्या करते हैं तो पिगी उसका क्या जवाब देता है, दैट माई डैड लेफ्ट अस, माई डैड इज अ कारपेंटर, माई डैड इज अ बुचर और माई डैड इज डेड? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पिगी सेज दैट माई डैड इज डेड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ स्टोर डज पिगी से हिज आंटी यूज टू रन इन चैप्टर नंबर वन, को किस तरह का स्टोर जो है वो उसकी आंटी चलाती थी, अ कैंडी स्टोर, अ फ्लोरिस्ट शॉप, अ शू स्टोर, अ वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर? द करेक्ट ऑप्शन इज अ कैंडी स्टोर, कि उसकी जो आंटी थी पिगी की वो क्या करती थी, शी रैन अ कैंडी स्टोर। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ शेल डू राल्फ एंड पिगी डिस्कवर ऑन द बीच, अ कॉन शेल, एन अल्फाबेट कॉन, अ स्लीपर शेल और अ फ्लोरिडा ऑगर? द करेक्ट ऑप्शन इज अ कॉन शेल। उनको क्या मिलता है, एक कॉन शेल जो है वो उनको चैप्टर नंबर वन में मिलता है। उसके बाद द फर्स्ट बॉय दैट अपीयर्स आफ्टर राल्फ ब्लोज द साउंड्स ऑन द शेल इज सेड टू बी अबाउट हाउ ओल्ड इन चैप्टर नंबर वन, कितनी एज होती है जो पहला बच्चा जो है वो अपीयर होता है, 6 years, 3 years, 10 years or 8 years? द करेक्ट ऑप्शन इज 6 years, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, कि वो जो पहला बच्चा जो आता है उसकी एज कितनी होती है, उसकी एज 6 years होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लिटिल बॉय दैट अराइव्स फ्रॉम द जंगल व्हेन राल्फ ब्लोज ऑन द शेल इन चैप्टर नंबर वन द साउंड ऑफ द शेल, तो जो पहला बच्चा आता है ठीक है उसका नाम क्या होता है, जिसकी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया कि 6 साल उसकी उम्र होती है, जॉनी, साइमन, हेनरी और मॉरिस? द करेक्ट ऑप्शन इज जॉनी, जो पहला बच्चा आता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम जॉनी होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द ट्विन्स दैट अपीयर ऑन द बीच इन चैप्टर नंबर वन, तो जो कहानी के अंदर जो ट्विन ब्रदर्स होते हैं उनका क्या नाम होता है, रॉजर एंड रॉबर्ट, साइमन एंड जॉनी, सैम एंड एरिक और पर्सीवाल एंड मॉरिस? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन
सी के वो जो बच्चे होते हैं उनके जो ट्विन्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, सैम एंड एरिक, और उनको बाद में फिर सैम नैरिक भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द बॉयज फ्रॉम द क्वायर वेयरिंग व्हेन दे अराइव ऑन द बीच इन चैप्टर नंबर 1. तो जो बच्चे क्वायर की फॉर्म में आते हैं उन्होंने किस तरह का यूनिफॉर्म पहना होता है, मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, हाई कॉलर्ड यूनिफॉर्म्स, स्विम सूट्स और ब्लैक क्लॉक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लैक क्लॉक्स. उन्होंने काले रंग के चूगे, काले रंग के लंबे लिबास उन्होंने पहने हुए होते हैं. ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वट कलर इज जैक मैरिड्यूज हेयर इन द नॉवल. जैक के जो बाल हैं उनका क्या कलर बताया गया, रेड, ब्लैक, ब्राउन और ब्लॉन्ड. द करेक्ट ऑप्शन इज रेड. कि जैक के जो बाल होते हैं वो किस कलर के होते हैं, वो बच्चों रेड कलर के होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सजेस्ट दैट द बॉयज होल्ड अ वोट फॉर द चीफ इन चैप्टर नंबर 1. कौन कहता है कि हम वोटिंग करके अपना बॉस जो है वो सेलेक्ट करते हैं, रॉजर कहता है, साइमन कहता है, हेनरी कहता है या जॉनी कहता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, रॉजर एक्चुअली सजेस्ट के लेट्स गो फॉर द वोटिंग. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव द बॉयज डिस्कवर्ड लिविंग ऑन द आइलैंड इन चैप्टर नंबर 2. अब हम चैप्टर नंबर 2 के जो एमसीक्यूज है वो करेंगे. टर्कीज, डियर, पिग्स और यू नो फॉक्सेस. द करेक्ट ऑप्शन इज पिग्स. कि वो किस तरह के एनिमल्स वहाँ पे उनको मिलते हैं, उनको वहाँ पे पिग्स मिलते हैं. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन ऑफ द रूल्स दैट राल्फ एस्टैब्लिशेस एट द मीटिंग इन चैप्टर नंबर 2 फायर ऑन द माउंटेन इज दैट नो वन मे स्पीक एट द मीटिंग अनलेस ही इज होल्डिंग व्हाट, द शेल, द स्टोन, द स्टाफ और द स्पीयर. द करेक्ट ऑप्शन इज द शेल. वो कहते हैं कि जब तक जिसके पास शेल नहीं होगा वो नहीं बोलेगा. अच्छा, व्हाट कलर इज द बर्थ मार्क डिस्क्राइब एज ऑन द यंग बॉय हु स्टेप्स फॉरवर्ड एट द मीटिंग इन चैप्टर नंबर 2. कि एक बच्चा जो है वो जब बात कर रहा होता है, राल्फ स्पीच कर रहा होता है, तो एक बच्चा जो है वो सामने आता है, तो उसका उसके उस, उसके उसका एक बर्थ मार्क बताया गया है. तो वो बर्थ मार्क है वो क्या होता है, ब्लैक कलर्ड, अच्छा मलबेरी कलर्ड, वॉयलेट कलर्ड और क्रिम्सन कलर्ड. द करेक्ट ऑप्शन इज मलबेरी कलर्ड. ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द बॉय विद द बर्थ मार्क फर्स्ट कॉल द बीस्टी, द वुल्फ थिंग, द स्नेक थिंग, द बियर थिंग और द बर्ड थिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज द स्नेक थिंग. कि वो जो बीस्ट की जब वो बात करता है तो वो बीस्ट को किस चीज़ से रिजेंबल करता है, द स्नेक थिंग उसके उसके लिए वो वर्ड यूज करता है. अच्छा, वेयर आर द बॉयज इन द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज फ्रॉम ओरिजिनली. ठीक है, कि वो बच्चे ओरिजिनली कहाँ से होते हैं, आयरलैंड से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या यूनाइटेड स्टेट से. द करेक्ट ऑप्शन इज दैट दे आर बेसिकली फ्रॉम इंग्लैंड. वो बच्चे कहाँ से होते हैं, वो बच्चे इंग्लैंड से होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु लीड्स द बॉयज टू द माउंटेन टॉप इन ऑर्डर टू बिगिन बिल्डिंग अ सिग्नल फायर इन चैप्टर 2. हेनरी, जॉनी और जैक और राल्फ. तो जो फायर के लिए जब वो टॉप पे जाते हैं तो उनका लीडर कौन होता है, उनका लीडर होता है जनाब जैक. राइट, अच्छा नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एबुलियंस. ठीक है, एक वर्ड यूज हुआ है एबुलियंस. ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, बेलेगरेंस, एक्सिलरेशन, लिग्जूरियंस और विसिस्टिट्यूड. ठीक है, तो ये आपने बताना है कि इसका क्या मतलब होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सिलरेशन. एक्सिलरेशन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एबुलियंस. अच्छा, अगर आपने पूरा जो नॉवल है उसके मैंने इसको ना चैप्टर वाइज इसका टेक्स्ट पढ़ाया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी हम कर चुके हैं. अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ द ओनली बॉय हु डज नॉट हेल्प गैदर फायरवुड इन चैप्टर नंबर 2. कौन सा बच्चा होता है जो फायरवुड कलेक्ट करने में उनकी मदद नहीं करता, साइमन, रॉबर्ट, रॉल्फ और पिगी. द करेक्ट ऑप्शन इज पिगी. ठीक है, पिगी जो है वो बैठ जाता है, वो कहता है कि भाई मुझसे काम नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेंबर ऑफ द क्वायर हैव एडजस्टेड देयर क्वायर हैट्स टू रिजेंबल व्हाट इन चैप्टर 2. जब वो क्वायर बॉयज आते हैं तो वो अपने हैट्स को किस चीज़ से रिजेंबल करते हैं, कॉबॉय हैट्स, बैरेट्स और फिडोरास और यू नो द विज़र्ड हैट्स. द करेक्ट ऑप्शन इज बैरेट्स. जो बैरेट्स नहीं होती, जो फौजियों की जो कैप्स होती हैं उनको बैरेट्स कहा जाता है, तो वो बैरेट्स के साथ उसको क्या करते हैं, वो रिजेंबल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द बॉयज आर थॉटफुल इनफ टू ब्रिंग लीव्स फॉर द सिग्नल फायर इन चैप्टर नंबर 2. सैमन एरिक, हेनरी एंड मॉरिस, जॉनी एंड परसिवाल और साइमन एंड पीटर. तो कौन से बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी पत्ते लेकर आते हैं. सो बेसिकली वो जो बच्चे जो पत्ते लेकर आते हैं दे आर हेनरी एंड मॉरिस. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द बॉयज आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू लाइट अ फायर इन चैप्टर नंबर 2, हु सेज यू मेक अ बाउ एंड स्पिन द एरो. तो ये मशवरा कौन देता है जनाब, जॉनी देता है, साइमन देता है, रॉजर देता है या मॉरिस देता है. द करेक्ट ऑप्शन इज रॉजर. रॉजर गिव्स यू नो दिस एडवाइस. उसके बाद हु सजेस्ट द बॉयज
यूज़ पिकीज़ ग्लासेस टू स्टार्ट द फायर इन चैप्टर नंबर टू। तो पिगी की ग्लासेस यूज करने का मशवरा कौन देता है, जैक, पिगी, हेनरी या जॉनी? द करेक्ट ऑप्शन इज जैक। ठीक है, जैक कम्स अप विद दिस आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द क्वायर अज्यूम्स गार्डियनशिप ऑफ द फायर, व्हाट ग्रुप विद इन देम इज असाइंड फायर ड्यूटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक? तो कौन से बच्चे होते हैं जिनको फायर का ख्याल रखने की ड्यूटी लगाई जाती है? द आल्टोज, द बेसेस, द सुप्रानोस और द ट्रेबल्स? द करेक्ट ऑप्शन इज द आल्टोज। द आल्टोज आर बेसिकली द बॉयज हु आर गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, द ऑथर यूजेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन चैप्टर नंबर टू, फायर ऑन द माउंटेन। अब ये एक टेक्स्ट में से क्वेश्चन आ गया। द फ्लेम्स एज दो दे वर अ काइंड ऑफ वाइल्ड फायर क्रेप्ट एज अ जैगुआर क्रीप्स ऑन इट्स बैली टुवर्ड्स अ लाइन ऑफ बर्च लाइक सैपलिंग्स दैट फ्लेच्ड एन आउटक्रॉप ऑफ द पिंक रॉक। तो व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज यूज इन दिस सेंटेंस? जी, आपने ये बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में कौन सी लिटरेरी टेक्निक जो है वो यूज हुई है। सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, लिटरेरी एलूजन और अनमेटिया। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेसिकली सिमिली, कि जब वो कहते हैं ना कि आग जो थी क्रेप्ट एज अ जॉगवार, ठीक है, कि वो एक चीते की तरह से वो आग जो थी वो फैलना शुरू हो गई। सो दिस इज बेसिकली अ सिमिली, राइट? तो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी आप यहाँ पे लर्न करेंगे। Which Littlen is unaccounted for at the end of the chapter number 2? ठीक है, कौन सा Littlen होता है जिसको उसकी गलती की वजह से छोड़ दिया जाता है? Yes, Henry, the boy with the birthmark, the boy with the glasses or the boy with the wheelchair? Wheelchair वाला तो कोई बच्चा होता नहीं है, so basically they are talking about the boy with the birthmark, ठीक है, जो गुम हो जाता है और फिर वापस मिल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट कलर आईज इज जैक्स सेट टू हैव इन चैप्टर नंबर 3? अब चैप्टर नंबर 3 में हम मूव कर गए, तो जैक की आंखों का क्या रंग बताया गया है? ब्राउन, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्लू। जैक की आईज किस तरह की होती हैं? जैक इज हैविंग ब्लू आईज, राइट? नेक्स्ट, इन चैप्टर नंबर 3, हार्ट्स ऑन द बीच, द नरेटर स्टेट्स द साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट वॉज मोर ऑप्रेसिव देन वट? More oppressive than the heat, more oppressive than the isolation, the danger or the permanence? The correct option is that more oppressive than the heat. More oppressive than the heat, right? Okay, next question is that what color are the pig droppings that Jack finds in the forest? ठीक है, तो pig की जो droppings होती हैं वो किस तरह की होती हैं? Reddish brown or solid black, olive green or dark brown? The correct option is olive green, ठीक है? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड विसिसिट्यूड मींस एज यूज्ड इन चैप्टर नंबर 3? विसिसिट्यूड का क्या मतलब होता है? सेवेचरी, अ चेंज और वेरिएशन, अ गैदरिंग ऑफ पीपल और अ बिट्रेल ऑफ प्रिंसिपल। कितना प्यारा वर्ड है, बिट्रेल ऑफ प्रिंसिपल। सो बेसिकली यहाँ पे द वर्ड विसिसिट्यूड हेयर मीन्स अ चेंज और अ वेरिएशन। वैसे विसिसिट्यूड का मतलब होता है अ डिफिकल्ट, स्टैंडिंग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज बच्चों के व्हाट डज जैक आस्क राल्फ फॉर व्हेन ही अराइव्स एट द कैंप इन चैप्टर नंबर 3? कि जब जैक राल्फ के पास आता है तो वो उससे क्या मांगता है? वाटर, पिगीज ग्लासेस और स्पेयर और द शेल? तो क्या मांगता है बेसिकली यहाँ पर इन चैप्टर नंबर 3 ही आस्क फॉर वाटर। पिगी की ग्लासेस लेने तो वो बाद में आते हैं। अच्छा, जब उनकी लड़ाई वगैरह हो जाती है। और हु इज द ओनली बॉय दैट इज हेल्पिंग राल्फ बिल्ड द शेल्टर इन चैप्टर नंबर 3? कौन सा बच्चा होता है जो उसको शेल्टर बनाने में उसकी मदद कर रहा होता है? जॉनी, हेनरी, जैक और साइमन? द करेक्ट ऑप्शन इज साइमन। दैट साइमन इज देयर व्हेन जैक राल्फ इज ट्राइंग टू बिल्ड अ शेल्टर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट इन द नॉवल वॉज डिस्ट्रॉयड When Piggy died, यानी कि जब पिगी मरता है तो कौन सी ऐसी सिम्बॉलिक चीज है जो वहां पर क्या होती है, वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है? तो that is the knife, the staff, the pig's head or the shell. So basically shell जो होता है ना, वो जब पिगी का क्योंकि पिगी पकड़ के खड़ा होता है, जब पिगी के ऊपर वो हमला करते हैं तो पिगी भी दूर जाके गिरता है और वो जो कॉँच होती है, जो शेल होता है, वो भी क्या होता है, वहां पर टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वर्ड यूज्ड इन चैप्टर नंबर 12 क्राई ऑफ द हंटर्स मींस अ किस ऑफ पीस? कि जो क्राई ऑफ द हंटर्स चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसमें कौन सा वर्ड है जिसको किस ऑफ पीस के तौर पर यूज किया गया है? अब ये एक टेक्निकल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा,
डिक्लेविटी, विसिसिट्यूड, पैक्स और मिराज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पैक्स. पैक्स इज द वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ यू नो किस ऑफ पीस. अच्छा, व्हाट डज राल फाइंड इन द फॉरेस्ट टू यूज एज अ वेपन इन चैप्टर नंबर 12, क्राई ऑफ द हंटर्स. तो कौन सा वेपन, कौन सी चीज वो एज अ वेपन जो है वो वहां पर यूज करता है. अ स्टिक दैट इज पॉइंटेड ऑन टू हेड्स, अ मेटल बियर ट्रैप और अ पैराशूट और अ डैगर. द करेक्ट ऑप्शन इज अ स्टिक दैट इज पॉइंटेड ऑन टू एंड्स. वो एक नोकीली लकड़ी जो है वो वहां पर राल्फ जो है वो उठाता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सैम एंड एरिक टेल राल्फ इन चैप्टर नंबर 12 क्राई ऑफ द हंटर्स दैट जैक एंड हु प्लान टू हंट हिम टुमारो. तो सैम और एरिक, सैम एरिक जो हैं वो राल्फ को क्या बताते हैं कि जैक के साथ कौन है जो मतलब कि जब वो छुपा हुआ होता है ना, जैक राल्फ जब छुपा हुआ होता है तो वो उसको सैम एरिक ड्यूटी पर होते हैं जब वो, तो वो उसको बताते हैं कि कल तुम्हारा हम शिकार करेंगे. तो साथ में किसका नाम लेते हैं राल्फ के अलावा, जैक के अलावा, रॉबर्ट, रॉजर, जॉनी और मॉरिस. द करेक्ट ऑप्शन इज रॉजर. तो वो कहता है कि रॉजर और राल्फ जो जैक और रॉजर हैं वो मिलकर तुम्हारा कल शिकार करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द फर्स्ट टैक्टिक दैट जैक्स ट्राइब यूजेस टू फ्लश राल्फ फ्रॉम द थिकेट इन चैप्टर नंबर 12. तो क्या टैक्टिक वो यूज करते हैं. दे शूट अ गन इन टू द थिकेट, दे हर्ल बोल्डर्स इन टू इट और दे लाइट द थिकेट ऑन फायर. थिकेट मतलब जंगल का जो एक घना जो हिस्सा होता है. दे फ्लड इट विद वाटर. तो क्या टेक्निक जो है वो यूज करते हैं. सो बेसिकली दे हर्ल बोल्डर्स इन टू इट. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वट इज द सेकेंड टेक्टिक यूज बाय जैक्स ट्राइब्स टू फ्लश राल्फ फ्रॉम द थिकेट इन चैप्टर नंबर 12. जब वो राल्फ और उसके साथी जो है वो जैक को ढूंढ रहे, सॉरी, जैक और उसके साथी जो है वो जो है वो राल्फ को जब ढूंढ रहे होते हैं तो पहला तो वो क्या करते हैं, वो एक यू नो बॉल्डर्स जो है ना वो वहाँ पे वो बनाते हैं. फिर दूसरी टेक्निक वो क्या यूज़ करते हैं. दे लाइट द थिकेट ऑन फायर, दे हर्ल बॉल्डर्स इन टू द थिकेट और दे शूट गन्स इन टू द थिकेट और दे सेंड अ वाइल्ड बॉर इन टू द थिकेट. तो फिर उसके बाद जो सेकेंड टैक्टिक होती है उसमें वो क्या करते हैं, दे लाइट द थिकेट ऑन फायर. वो क्या करते हैं, वो जंगल को फिर पूरे को वो घने हिस्से को क्या लगा देते हैं, वो आग लगा देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लिप्टन दैट फर्स्ट अप्रोचेज द नेवल ऑफिसर इन चैप्टर नंबर 12. तो वो जो नेवल, जब वो आग चलती है और आग जलने के बाद वो जो नेवी के लोग आते हैं तो उनको सबसे पहला जो बच्चा मिलता है उसका क्या नाम होता है. परसीवाल, बिल, फिल और हेनरी. द करेक्ट ऑप्शन इज सबसे पहले उनको परसीवाल जो है वो मिलता है. उसके बाद व्हाट इज जैक डिस्क्राइब्ड एज वेयरिंग एट हिज वेस्ट इन द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 12. तो जैक जो है वो जब लास्ट में जब वो नेवी का अफसर भी आ जाता है तो उसने अपने वेस्ट पर क्या उसने पहना हुआ होता है. अ पेयर ऑफ ब्रोकन स्पेक्टिकल्स, अ क्वायर क्लॉक, अ कैवेलरी पिस्टल और अ म्यूटिलेटेड पिग्स हेड. यस, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज दैट ही इज वेयरिंग अ पेयर ऑफ ब्रोकन स्पेक्टिकल्स. राइट, ओके. नेक्स्ट चलते हैं द कॉरल आइलैंड. अ टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन वॉज रिटन बाय व्हाट स्कॉटिश ऑथर. सैम्यूल बेकेट, हेनरी जेम्स, आर एम बैलेंटाइन और मार्क ट्वेन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आर एम बैलेंटाइन. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया. इन द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 12 क्राई ऑफ द हंटर्स, राल्फ इज सेड टू वीप फॉर द एंड ऑफ इनोसेंस, द डार्कनेस ऑफ मैंस हार्ट एंड फॉर द डेथ ऑफ वट ट्रू वाइस फ्रेंड. कौन सा उसका दोस्त होता है जिसके लिए वो मतलब रो रहा होता है. सैम के लिए, जैक के लिए, साइमन के लिए या पिगी के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट ही इज मॉर्निंग और ही इज क्राइंग फॉर पिगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 12 क्राई ऑफ द हंटर्स, द नरेटर नोट्स दैट व्हेन द चिल्ड्रन ऑल बिगिन वीपिंग, द ऑफिसर सराउंडेड बाय दीज नॉइसेस वॉज मूव्ड एंड अ लिटिल व्हाट. तो क्या वर्ड यूज किया है इसमें जो विलियम गोल्डिंग जो आपका राइटर है उसने, एम्बैरेस्ड, ओवरवेल्म्ड, इमोशनल और एंग्री. द करेक्ट ऑप्शन इज एम्बैरेस्ड, कि वो क्या होता है, थोड़ा सा जो नेवल ऑफिसर है वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता है. अच्छा, सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ऑफिसर से ड्रू हिज क्रू टू द आइलैंड इन चैप्टर नंबर 12. तो वो ऑफिसर क्या बताता है कि किस चीज को देखकर वो आए हैं. द साइट ऑफ द एयरप्लेन रैकेज, द स्मोक फ्रॉम द फायर, द साउंड ऑफ द गन फायर और द साउंड ऑफ स्क्रीमिंग. तो वो क्या कहता है कि हम क्या देख, किस वजह से हम लोग इस तरफ आए हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द स्मोक फ्रॉम द फायर. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स इन द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज. इसकी सेंट्रल थीम क्या है, सिविलिटी वर्सेज सेवेजरी,
पॉलिटिकल करप्शन, ब्यूटी वर्सेस अगलीनेस और द बिट्रेल ऑफ द मर्डर मदर, द करेक्ट ऑप्शन इज सिविलिटी यानी कि सिविलाइजेशन वर्सेस सेवेजरी यानी कि वैश्यानापन, राइट। सो आई थिंक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो तमाम के तमाम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के हमने कर लिए हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसका कैरेक्टर स्केच, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके थे। सो इसी तरीके से आई विल बी ब्रिंगिंग सम इंटरेस्टिंग एंड सम अमेजिंग लेक्चर्स फॉर यू। स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश कीज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।